मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं मुंबई सिटी एफसी के लिए प्रोक्योरमेंट देखता हूँ एंड ऑपरेशंस का काफ़ी पार्ट देखता हूँ। हम लोग एज अ टीम ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस की यहाँ पे इकट्ठे देखते हैं। सो लास्ट ईयर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे सीट्स नहीं थी, अभी सारी हमने बकेट सीट्स पूरे स्टेडियम में लगाई हैं। सो वो सारे फैंस सबके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारा कॉन्कोर्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट था। हमने वहाँ पे लाइव बैंड लगाया, अच्छे अच्छे कंसेशन लगाए, बहुत सारी गेम एक्टिविटीज़ थी। सो इसी टाइप की चीज़ें हम हर साल कुछ कुछ नया आइडियाज़ लेके फैंस को एंगेज करने के लिए हम कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। एज़ यू नो हम AFC भी खेल रहे हैं, सो बालेवाड़ी को भी पहले हमने रेडी किया, देन नाउ DY पाटिल एंड ऑफकोर्स लाइक आर होम स्टेडियम, सो होम ग्राउंड को तो अपने को करना ही करना है। तो ठीक है, अब शायद आदत पड़ चुकी है एंड वी हैव अ गुड टीम, सो ईजीली मैनेज हो जाता है। सो बेसिकली हमारा अभी ब्लीचर का काम चालू है, आप बैक साइड पर देख सकते हो, जिसमें अभी हम लेयर सीटिंग का प्रोसेस अभी चालू है और फ्लेक्स वगैरह। इस तरफ से हमारा एंट्री आर्च जो बन रहा है, जो लाउंज का एंट्री है उसका काम चल रहा है, वेल्डिंग वॉल्स का काम चल रहा है। सो यू कैन सी योर एक और पैनल है जिसके सेंटर पे लोगो आने वाला है, टनल का काम चल रहा है। ओवरऑल फिर हम लाइट के प्रोसेस पे आएंगे, जहाँ लोगो की लाइट्स, फिर इनकी बाउंड्री की लाइट्स, फिर वो लाइट का काम चालू होगा। उसके बाद मैक्सिमम हम जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 20-25 के आसपास, एंड करते करते इट रीचेज अराउंड 70 पीपल, इंक्लूडिंग वेल्डर्स, हेल्पर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन टीम, AC का एक सेपरेट टीम होता है। Hi, my name is Sumit Singh, General Manager Events, Mumbai City FC. First of all, we are happy and excited that we are going to play our first game against Kerala Blasters, first home game of the season against Kerala Blasters FC. And in terms of the preparation timelines, we start at least a month before our first home match. And you see, it takes a lot of effort to get where we are today and get the stadium match ready. Yeah, so we at Mumbai City FC always keep fans central and always ensure that our fans, whoever is coming to watch us play at the stadium, have good experience and they take something back with them so that they come back and watch us play for each and every game. It's a big aspect, setting up fan zones, activity stalls, having live music at the stadium, at the concourse. It really motivates us when we see full capacity stadium, sold out stadium. It helps us motivate to do something better and better each and every game and each and every season.